जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बीजी किस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। आपके सामने लिख रहा होगा पर्चा जो मिला है आप लोगों को, ये एसबीआई के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। यानी खाता किसमें है आपका? एसबीआई। और वहां से ये स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है। और इस स्टेटमेंट को कहाँ चढ़ाना है हमें? अपनी कंपनी बीजी में। अगर ध्यान से देखेंगे तो जिसका भी बैंक स्टेटमेंट है उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके ऑनर का नाम क्या है? लक्ष्मी बिल्डर। एड्रेस दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है। और आप अगर नीचे देखेंगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वहाँ बैलेंस माइनस में दिया हुआ है और लिखा हुआ है ड्राइंग पावर 10 लाख। जहाँ ड्राइंग पावर की बात आ गई यानी कर्ज वाली बात आ गई यहाँ पे, कि आप इस बैंक से 10 लाख कर्ज ले सकते हैं। यानी बैंक एग्री है आपको कर्ज लेने के लिए, लेकिन लिमिट है कितनी की से? 10 लाख। समझ रहे ना? 10 लाख से ज्यादा नहीं, 10 लाख। और जब भी ऐसे खाते की बात है यानी कर्ज वाला खाता हो गया, और कर्ज वाला खाता होता है तो उसका अंडर रूप क्या होता है पल्लवी बताएं। मान लो कर्ज वाला खाता है यानी लोन अकाउंट है, उसका अंडर रूप क्या होगा? इधर देखिए, इधर बताइए। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, बताइए क्या होगा? हाँ नहीं पता, कुसुम बताओ क्यों? क्या नहीं बताइए? आप श्रेया पूछ रहे हो, इसका नाम क्या है? सोनी बताओ। प्राइम अकाउंट हो जाएगा, वेरी गुड। आप बताइए। लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा, लाइबिलिटी अंडर ग्रुप होता है। बताइए मानसी, आप तुम्हें बताओ। नहीं बताओ, राइट आंसर होगा क्या होगा तुम बताओ? अभी की सर प्रिंस गोविंदा गोविंदा सनी डेविड। ये तो सबसे बड़ा गलत हो गया। जब तक पार्टी का नाम नहीं आएगा तब तक उस सनी डेविड डेट डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो बैंक कर्ज वाला है तो अंडर ग्रुप हो जाएगा। नॉर्मल बैंक होता है तो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट हो जाता है, लेकिन ये कर्ज वाला है तो बैंक ओडी अकाउंट हो जाएगा। बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट से बोलते हैं कर्ज वाला खाता। पढ़े हैं आपको, पढ़ाया गया, कई बार बोला भी हूँ मैं, कि कर्ज वाला खाता होगा तो अंडर ग्रुप बैंक ओडी हो जाएगा, नॉर्मल खाता होगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। यानी हम एक लेजर बनाएंगे, बैंक एसबीआई ओडी एसबीआई लोन अकाउंट और अंडर ग्रुप रख देंगे बैंक ओडी अकाउंट। तो सबसे पहले ये तो आपकी कंपनी बीजी पॉलिटी है ही, दूसरा आपको बनाना होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए आप? क्या करेंगे आप? नई कंपनी बना लेंगे बीजी पे। और देख सकते हैं कि जिस महीने का स्टेटमेंट है वो तो कौन सा महीना है? 1 नवंबर का। उस वक्त आपके बैंक का बैलेंस कितना था? 9,56,551.17 रुपए माइनस में। यानी कितना कर्ज था आपके ऊपर? स्टेटमेंट मिला हुआ है आपके बैंक साइड से। यानी ये ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा जब आप एंट्री करेंगे, उस टाइम जब आप बैंक का अकाउंट बनाएंगे, लेजर बनाएंगे उस दौरान। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंपनी क्रिएट करेंगे। इसके लिए कहाँ जाना होगा आपको? बीजी पे। बीजी कहाँ है? टेक्स स्टाफ पे दिख रहा है तो है। ओके ओके एंड क्रिएट अ कंपनी बनाएंगे। किस नाम से? लक्ष्मी बिल्डर्स। शॉर्ट लाइन में एल भी डाल दे रहा हूँ। कंट्री इंडिया उत्तर प्रदेश। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग। इंटर करेंगे, फाइनेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ लिख देना है रामकोला कसिया रोड, रामकोला कसिया नगर। पिन कोड 2743। अच्छा
इनपुट डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटर पैन नंबर डाल लीजिएगा जो भी हो रहा है। नंबर डालेंगे ईमेल आईडी जो होगा डाल लीजिएगा, अकाउंट डिटेल जैसे नहीं डाल देगा, अकाउंटेंट का डिटेल और सीए का डिटेल डाले थे ना, आपको डालना होगा डाल लीजिए कोई बात नहीं। इंटर करेंगे जीएसटी, जीएसटी नंबर डाल देगा 09 APMPB 12 21 EM1 Z2। इंटर करेंगे रेगुलर 28% और 18 18 सेव कर। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद यूजर एंड पासवर्ड को जानते हैं, यहाँ पर बनाना होता है GIT, पासवर्ड में GIT, री एंटर पासवर्ड में भी GIT, सेव कर देंगे। बनेगी कंपनी, बाहर आएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स में अकाउंट बनाएंगे, ऐड करेंगे। किस नाम से बनाना है, SBI ओडी अकाउंट या लोन अकाउंट बना लीजिए जो भी बनाना है। अंडरकोट क्या होगा, बैंक ओडी क्या हो जाएगा, बैंक ओडी ओपनिंग बैलेंस याद डाल लीजिएगा 9565511.17 सही है, माइनस में लगाएंगे ना, बताया हो ना ओडी का मतलब कर्ज वाला खाता है, अपने आप हो जाएगा। एंटर कर लिए 9565511.17, एड्रेस बैंक का अगर पता होगा तो रामकुला ब्रांच दिया हुआ है, रामकुला डाल दिया, बाकी कुछ करना ही नहीं है, रजिस्टर ही। और क्या कर लेंगे इसको, सेव करने के बाद से अब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं सारा ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, बल पोस्टिंग हुई है, पैसा डिपॉजिट हुआ है। जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें कैश और बैंक की बात की जाती है तो हम कौन सा खाता बनाते हैं, उसमें एंट्री करते हैं कंट्रा वाउचर, क्या करते हैं कंट्रा वाउचर, इसके लिए कहाँ ट्रांजेक्शन पे कंट्रा ऐड। इंटर करेंगे तो जब भी यहाँ अमाउंट क्रेडिट साइड मिलेगा उस वक्त आप बैंक को डेबिट करेंगे, जब अमाउंट डेबिट साइड मिलेगा उस वक्त आप अपने बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसका स्टेटमेंट है ना, ये हम लोग का स्टेटमेंट है हमेशा अपोजिट काम होगा। इस वक्त बैलेंस की साइड मिल गया हुआ है 1,05,000, क्रेडिट साइड यानी आपका बैंक क्या होगा डेबिट होगा, SBI को क्या करना है डेबिट 1,005 रुपए, और क्रेडिट कौन होगा कैश अकाउंट, कौन होगा कैश अकाउंट। और जब यहाँ पे इंटर किए हैं SBI ओडी पे इंटर किए हैं, यहाँ बैलेंस दिखाया है 9,55,546.17 मैच कराई दो, 9,55,546.17 मैच किया बस सही हो, क्या कर लेंगे आप इसको सेव कर। तो गया पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा पैसा क्या हुआ है, यहाँ डेबिट साइड में दिया है और चेक के द्वारा डेबिट हुआ है, यानी आपने किसी को पेमेंट किया है, अच्छा किसको पेमेंट किया है पता नहीं, जब पता नहीं होता तो कौन सा खाता बनाते हैं, सस्पेंस अकाउंट। याद करिए आप ऐसे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है, सस्पेक्ट है, तो क्या बना लेंगे सस्पेंस अकाउंट, और अंडर ग्रुप भी क्या हो जाएगा उसका सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। तो पेमेंट करना है जिसमें किस वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में एंटर करेंगे और डेबिट हो जाएगा पाने वाला, पाने वाला कौन है सस्पेंस अकाउंट, ये F3 दबाएंगे
और बनाएंगे। इंटर करेंगे और दूसरा क्या, उसका डब क्या हो जाएगा, सस्पेंस हो जाएगा। अरे यार क्या करेंगे इसको, से सेव करेंगे। कितना है, 11,981। इंटर। और क्रेडिट कौन होगा, देने वाला कौन, आपका बैंक SBI OD। इंटर करिए, देखिए बैलेंस आ गया 967,527। दोनों एक साथ सही है। हाँ सही है, बैंक बैलेंस में मैच कराओ भाई। हम बोले मैच कराओ 967,527.17 सही है। इंटर करके स्टेट कर लेना। सोल मार्केट ट्रांजेक्शन कैसे करना है, अगला क्वेश्चन भी कैश डिपॉजिट है, तो बताया गया था जब कैश और बैंक की बात आती है तो हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश टू बैंक या बैंक टू कैश होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कंट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इज दैट क्लियर। एक बात बताइए, आपका खाता ऑलरेडी कर्ज में है, आप 967,000, अगर इसमें कोई 40 लाख डाल दे तो पैसा घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, यानी कर्जा 967 का था तो हम 9 कितने का हो जाएगा, 9,27 का हो जाएगा। अगर 40,000 पैसा इसमें डिपॉजिट हो जाए कर्जा वाले, तुम ही बताओ, आप 20 रुपया का पकौड़ी उधार खाए थे, 10 रुपया जमा कर दिए, तो कर्जा कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस में कोई चीजें कम होती है ना, ये दिमाग रखिएगा। तो एंटर किया और यहाँ डेबिट कर दिया इसको, बैंक बैंक पा रहा है ना, पैसा जमा हो रहा है, कितना पा रहा है, 40,000, 40,000। बैंक का बैलेंस मैच कराइए, 921 घट गया ना। हाँ देख लो, 967 था, इससे पहले 967 था, 967,000 था, 967 से 921 हो गया, कम हुआ है ना। अब इंटर करेंगे, क्रेडिट कौन होगा, कैश, और सेव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी कैश डिपॉजिट है, कितना, 60,000, यानी और कम हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा SBI 60,000 और क्रेडिट हो जाएगा क्या, कैश 60,000। देखिए बैंक बैंक का बैलेंस देखिए, तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा, इंटर करिए 861,527.17 सही है, एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पैसा ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करने का मतलब आपने किसी को पेमेंट किया है ना, दिया हुआ है, ट्रांसफर किसको किया गया, अल्ट्राटेक सीमेंट को, यानी पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, पेमेंट पेमेंट करेंगे तो बैंक कैसे देंगे, तो बैंक देने वाला हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कौन हो जाएगा, पाने वाला, पाने वाला कौन है, अल्ट्राटेक। तो ये अब 3 से बना लीजिए क्या, अल्ट्राटेक अल्ट्रा इंटर। पार्टी का नाम है, आप किसी को पैसा कब दोगे, वो आपका सप्लायर होगा तब, कि कस्टमर होगा तब, सप्लायर यानी सन्ड्री क्रिएटर हो जाएगा, और एक दूसरे सेव करो। कितना पैसा दे रहे हैं, अब देखो ध्यान से, 1,30,003 रुपया 54 पैसा, जब भी लास्ट में 2 रुपया 3 रुपया पैसा में जाए, समझिए वो बैंक चार्ज दे रहा है, क्या दे रहा है, यानी अल्ट्राटेक को आपको सिर्फ देना है 1,30,000, लेकिन आप दे रहे हैं, न्यू रिफरेंस कर लीजिएगा 0,0 जो भी होगा, और फिर यहाँ डेबिट कर दीजिएगा, ये कंपाउंड एंट्री है, और ये आप 3 से बनाइएगा क्या, बैंक चार्ज, अंडरबुक क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम नहीं, एक्सपेंस ना, एक्सपेंस, ये अब दूसरे सेव कर दिया, कितना का, 2 रुपया 54 पैसा, 54 ना, 3 रुपया, सॉरी 3 रुपया 54 पैसा सही है।
और सारा पैसा किससे दे रहे हैं आप? एसबीआई ओडी से। कितना? 1,30,003 रुपया 54 पैसे, जिसमें क्या दिए हैं अंडरटेक को सिर्फ 31 और बाकी 3,25 रुपया क्या है? बैंक चार्ज देख लीजिए या फोटो खींच लीजिए, यानी वहां जाके भूल जाए। तो इंटर करिए, देखिए बैलेंस दिखा रहा है 9,91,530.71 सही है। तो ऐसे ही सारा ट्रांजेक्शन करना है, लास्ट में आपका बैलेंस आना चाहिए 7,68,709.86। यही आपको आज की क्लास में करना है। थैंक यू क्लास। हाँ आज ही वर्क करना टाइम।